और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ इस तरह का एक लैपटॉप बैग तैयार करेंगे। ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने एक जिप पॉकेट तैयार किया है और ये देखिए, ये थोड़ा अलग तरीके से मैंने इसे बनाया है। इसके साथ पीछे की तरफ भी हमने एक बड़ा सा जिप पॉकेट दिया है। ये पूरा यहाँ पे खुला है इस तरह से, और यहाँ से ये ओपन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने पॉकेट्स बनाए हैं। और यहाँ पे आप पेंस वगैरह लगा सकते हैं इसे, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे और भी कुछ छोटी मोटी चीजें, यहाँ पे अगर आपको मोबाइल रखना है, माउस रखना है इस तरह से, तो भी आप यहाँ पे इस तरह से सेट करके उसे रख सकते हैं। और मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा साइज में बड़ा है रेगुलर लैपटॉप से, तो उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है देखिए इस तरह से। तो ये पूरा मेरा यहाँ पे अंदर की तरफ रह रहा है। मैंने हैंडल्स डबल दिए हैं, एक तो ये हैंडल्स भी है, और अगर आप साइड में लगाना चाहते हैं तो ये बड़ा हैंडल भी आप ले सकते हैं, जो एडजस्टर के साथ हमने तैयार किया है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने फोम यूज किया है क्विल्ट करने के लिए, ताकि लैपटॉप अगर लैपटॉप अंदर रखने के बाद हम सेफली उसे रख सके, इसके लिए मैंने इसमें फोम डाला है क्विल्ट करते वक्त। और यहाँ पे आप उसका जो चार्जर है, पावर कॉर्ड जिसे कहते हैं, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं अच्छे से। इसीलिए हमने ये पूरा लंबा पॉकेट बनाया है इस तरह से। तो इस तरह से कोई बड़ी सी डायरी अगर आपको यहाँ पे रखनी है तो भी काफी इसमें जगह है, और ये काफी मजबूत बना है। और यहाँ पे भी हैंडल के जैसे बेल्ट है, और इस तरह से ये बड़ा बेल्ट है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और इसके मेजरमेंट्स क्या क्या है। 17 इंच बाय 13 इंच के 2 क्विल्टेड पीस, 17 इंच बाय 13 इंच के 3 अस्तर के या लाइनिंग के पीस, 17 इंच बाय 10 इंच का 1 फैब्रिक का पीस और 2 अस्तर के या लाइनिंग के पीस, 7 इंच बाय 19 इंच का 1 लाइनिंग का पीस मतलब अस्तर का पीस, 22 इंच बाय 2.5 इंच का 1 क्विल्टेड पीस और 1 लाइनिंग का पीस, 35 इंच बाय 2.5 इंच का 1 क्विल्टेड पीस और 1 लाइनिंग पीस, 15 इंच के 2 बेल्ट शॉर्ट हैंडल्स के लिए, 45 इंच का 1 बेल्ट बड़ा बेल्ट चाहिए हमें, 3 इंच के 2 छोटे बेल्ट के टुकड़े लगेंगे लूप्स बनाने के लिए, 1 एडजस्टर लूप, 2 रेक्टेंगल लूप, जिप और रनर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 22 इंच बाय 2.5 इंच का मैंने ये एक क्विल्टेड पीस लिया है, इसे हमें बीच में जिप लगाना है, और उतने ही मेजरमेंट का मैंने लाइनिंग का पीस लिया है, इसे बीचों बीच मैंने मार्किंग करके दोनों ओर से मैंने उसे स्टिच कर दी है, और यहाँ पे बीचों बीच मैं उसे काट लूंगी और उसे जिप जोड़ूंगी। और अब यहाँ पे हमने जो छोटे लूप्स लिए हैं 3 इंच के, उसमें हम इस तरह से स्क्वायर रेक्टेंगल एडजस्टर डाल के यहाँ पे सिल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऊपर का जिप का हिस्सा तैयार है। और अब ये जो हमने 10 इंचेस बाय 17 इंचेस 17 इंच बाय 10 इंच का 1 फैब्रिक का पीस लिया है, उसे मैंने अंदर से पतला सा 1 लाइनिंग का पीस जोड़ा है, और उतने ही मेजरमेंट का 1 थोड़ा जाड़ा थिक लाइनिंग का पीस मैंने लिया है,
उसे हम ऊपर की तरफ से 7 इंच पे मतलब 3 इंच नीचे लेके मार्किंग करेंगे और वहां पे हम उसे काट लेंगे। और इसे काटते वक्त ही ये जो मैंने उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस लिया है उसे भी मैं काट लूंगी। और अब यहाँ पे एक और पे पहले जिप जोड़नी है और ऊपर से लाइनिंग का पीस। इस ओर भी हमें उसी तरह तरीके से पहले जोड़ना है जिप और बाद में अलग तरीके से हमें उसे फोल्ड करना है। और अब यहाँ पे हमें फोल्ड करते वक्त इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि ये जो हमारी जिप है वो पूरी तरह से उस पे कवर हो जाए इस तरीके से। और यहाँ पे हमें उसकी दाग सिलाई करनी है तो ये जो लाइनिंग का पीस है वो इसी तरह हमारा आएगा और ये फोल्ड यहां करने के जगह पे 1 इंच ऊपर हम इसका फोल्ड लेके और ये जो हमारी सिलाई की सिलाई है वो ऊपर की तरफ हम छोड़ेंगे और यहां पे हमारी दाग सिलाई आएगी जिप पे। तो ये पॉकेट पे हमारा जस्ट एक फ्लैप बन जाएगा अलग डिजाइन और ये जिप डायरेक्टली आपकी नहीं दिखेगी और इस तरह से आपका पॉकेट बन जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा का हमारा लाइनिंग का पीस है उसे मैं निकाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ ये पूरा फिनिश्ड पॉकेट है पर ऊपर की तरफ ये हमें दिखेगा नहीं ताकि हम इसे फ्लैप के जैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले रनर डाल देती हूँ। आप चाहे तो दोनों ओर से रनर डाल सकते हैं। और अब 17 इंचेस बाय 13 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस हमने लिया है। यहाँ पे भी क्विल्टेड पीस के जैसे मैंने कर्व्ड कॉर्नर्स करके ले लिए हैं। तो अब इस पे हमें अंदर की तरफ से सिंपल पॉकेट्स तैयार करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ दोनों ओर से मैं यहाँ पे थोड़े से एक फोल्ड कर दूंगी और सबसे पहले इस लाइनिंग पीस पे मैं सीधी तरह से बीचों बीच लगाना है और यहां पे पहले मैं उसे स्टिच करूंगी एक साइड से और फिर इस ओर से, क्योंकि ये हमने 19 इंचेस का लिया है और हमारा जो क्विल्टेड पीस है वो 17 इंचेस का है। और अब यहाँ पे मैं उसे थोड़ा इसी तरह से लेके एक ऐसे 3 पॉकेट्स उसके तैयार करूंगी यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच करके। उससे पहले हम नीचे एक स्टिच करेंगे तो मैं यहाँ पे एक थोड़ी प्लीट डाल देती हूँ उसको। यहाँ पे हम 2 ऐसे ही सिमिलर स्टिच करेंगे ताकि यहाँ पे पेंस लगाने के लिए हमें प्लेस मिले। तो ये पेंस लगाने के लिए हमारे पॉकेट है, ये एक मैंने थोड़ा वॉल्यूम रखा है इसमें और ये इस तरह से साइड में 2 पॉकेट और ये हमारे अंदर के पॉकेट्स बन के तैयार है। अब जो हमने 17 इंचेस बाय 13 इंचेस के 2 क्विल्टेड पीस लिए हैं उसमें से एक पीस को ये जो हमने जिप का आउटर पॉकेट तैयार किया है उसे हमें लगाना है पर यहाँ पे हमारी फिनिश्ड पार्ट नहीं है तो हम वहां पे कॉन्ट्रास्ट कपड़े का एक पाइपिंग लगा देंगे और उससे पहले यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे हम चारों ओर से उसे स्टिच कर देंगे पूरा।
और यहाँ पे एक्स्ट्रा का जो भी पीस हमारा है उसे हम काट लेंगे। और यहाँ पे हम एक पाइपिंग लगाएंगे कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़े में। तो पाइपिंग लगाने के लिए कॉन्ट्रास्ट कपड़े, कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़े की मैंने इस तरह से एक 17 इंच की पट्टी ली है, उसे मैं इस पे एक और पे सी दूंगी इस तरह से। और ये मैंने फोल्ड की है बीचों बीच। आप चाहे तो यहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हैं और इस तरह से मैं उसे ओपन करके दूसरी स्टिच करूंगी। और इस तरह से पाइपिंग भी हमने लगा दी है और ये फिनिश्ड पॉकेट है। और यहाँ पे देखिए ये पॉकेट ओपन होके यहाँ पे एक पॉकेट हमारा बन गया है। और अब हमें ये जो हमने पॉकेट वाला लाइनिंग का पीस तैयार किया था उसे हम इसके अंदर सीधा ही रख के जोड़ देंगे। सिर्फ ये पॉकेट वाला हिस्सा है, तो पॉकेट, ये जो हमने पॉकेट्स बनाए हैं उसका नीचे का हिस्सा भी इसी ओर आना चाहिए, इतना ही हमें ध्यान रखना है। और हम चारों ओर से उसे अब सिल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉकेट हमारा बन गया और अंदर की तरफ से इतने सब पॉकेट्स हमारे बन के तैयार है। और अब ये जो हमारा बैक साइड का पीस है उसे हम हमेशा की तरह लाइनिंग एक जिप का ही पॉकेट तैयार करेंगे। यहाँ पे बैक साइड में काट लेना है और यहाँ पे सीधा एक पॉकेट जोड़ना है। और आप चाहे तो बीच में हमेशा की तरह हम जैसे तैयार करते हैं उसी तरह से उसे एक दो खाने भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले उसे काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच पे हम उसे काट लेंगे एक ओर से। और हमारे ये जो 17 इंचेस बाय 13 इंचेस के दो क्विल्टेड पीस बाकी है उसमें से एक क्विल्टेड पीस को मैं साइड में रखूंगी और एक ही क्विल्टेड पीस को इसके साथ काट के उसके उसे हम जिप जोड़ेंगे। तो उसे भी काटना है मेन पीस के साथ। और अब यहाँ पे जिप जोड़ेगी हमारी। और अब ये जो प्लेन लाइनिंग का पीस है उसे हम इसके अंदर सिर्फ रख के जोड़ेंगे, तो ये हमारा बड़ा एक पॉकेट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे पहले हम एक रनर डाल देते हैं। आप चाहे तो बीच में यहाँ पे अगर सिलाई करेंगे तो दो अलग पॉकेट बनेंगे, तो दोनों तरफ से रनर आपको डालना पड़ेगा। और अब हम इन दोनों के सेंटर पे मार्किंग करके यहाँ पे बेल्ट जोड़ेंगे। जो हमने छोटे हैंडल्स लिए हैं उसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे सेंटर का मार्किंग करने के बाद। तो दोनों तरफ 2.5 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी। और ये जो हमने बेल्ट तैयार किए हैं उसे हम यहाँ पे लगा देंगे। और अब इसके बीच हम ये बेस और ये जो हमारा जिप का ऊपर का हिस्सा है उसे पहले लगाएंगे। तो हमें पहले इसका भी सेंटर का मार्किंग करके लेना है इस तरह से। और अब यहाँ पे हमें पहले उसे सेट करके लेना है ताकि बेस जो हम उसको लगाएंगे वो हम एडजस्ट कर ले और फिर हम बाद में उसे फाइनल सी देंगे। तो यहाँ पे मैं एक और पे ये जो हमारा दूसरा क्विल्टेड पीस है 33 इंचेस बाय 2.5 इंच का उसे जोड़ूंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए सीधी साइड फैब्रिक की आएगी और नीचे की तरफ हमें लाइनिंग का पीस उसके रख के एक और पे यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्टिच करनी है बीचों बीच रख के। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे जुड़ गया। अब हम यहाँ पे उसे पिंस लगाते लगाते यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे और कितना हमें ये बेल्ट रखना है वो हम अंदाजे से लेके फिर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो पहले मैं इसे
पिंस लगा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आधा इंच छोड़ के मुझे ये इतना एक्स्ट्रा है मेरा पीस, तो मैं उसे काट लूंगी। पहले मैं वहां पे मार्किंग करके लेती हूँ। और अब पहले हम ये उसे सिल देंगे जैसे हमने पहले का सिया था उसी तरह से। और अब ये जो है पूरा इस तरह से हम उसे सिल देंगे, ये बीचों बीच मार्किंग किया हुआ। तो ये एक ओर से हमारा मेन पीस लग गया। उसी तरह से ये जो दूसरा पीस है वो हम यहाँ पे उसे जोड़ेंगे मैच करके। और अब यहाँ पे भी पूरा हम उसे सिल देंगे ऊपर से, जिस तरह से हमने ये साइड जोड़ा था उसी तरीके से। तो इस तरह से पूरे दोनों हमने बेस पीस और जिप के पीस हमारे फ्रंट और बैक पीस को जोड़ दिए। और ये जो अनफिनिश्ड एजेस है उस पे हम बाद में पाइपिंग लगाएंगे। और इस तरह से मैं ये अब खोल देती हूँ उल्टा करके। इस तरह से हमारा ये बैग बनके लगभग तैयार है। और ये जो हमने बेल्ट बनाया है लंबा, उसे अब हम इसे जोड़ देंगे। उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक स्टिच कर देती हूँ। इस तरह से ये फोल्ड करना है और यहाँ पे ये एक ओर से मैं जोड़ दूंगी पहले सिलाई करके। और अब यहाँ पे इंसर्ट करना है इस तरह से। और यहां से लेके ये जो हमारा लूप है उसमें से भी इंसर्ट करके यहाँ पे एक फोल्ड करके यहाँ पे हमें उसे सिल देना है इस तरह से। तो ये यहाँ पे हमारे स्टिच आए। तो ये इस तरह से मल्टीपल पॉकेट वाला लैपटॉप बैग बनके हमारा तैयार है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।